नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने हंग्री स्पिरिट्स चैनल में। तो दोस्तों, बिग बॉस मराठी सीजन 2 में मजा तो बहुत आ रहा है, बहुत सारा कंटेंट मिल रहा है, बातें हो रही है, मगर मैं ना आज थोड़ा सा बोर होगी वही बातें कर करके, वही कंप्लेंस, वही शिवानी की बातें, वही मीना की बातें, वही बप्पा की बातें। तो मुझे लगा कि आज थोड़ा सा आपके साथ मजा मस्ती किया जाए, थोड़ा सा कंटेस्टेंट के साथ थोड़ी और छेड़खानी की जाए, तो उसी को लेके थोड़ा सा मैंने दिमाग लगाया, थोड़ा आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगी लगाने के लिए। तो उसी पे चर्चा करते कि क्या किया है मैंने, कैसे चीजों को दिखाने की कोशिश की है, आपसे बात करती हूँ। मगर उससे पहले आपको करना है हमारा चैनल सब्सक्राइब जिन्होंने नहीं किया है, साथ में दोस्तों बेल आइकॉन भी दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. Big Boss Marathi Season 2 में आए 15 कलाकार और उसमें से एक हो गई आउट, वो थी मैथिली। तो मैथिली ने जाते जाते एक बात बोली कि बड़ी मेहनत की है बिग बॉस ने इन कलाकारों को इकट्ठा करने में, क्योंकि बड़ी वैरायटी है, तरह तरह के कलाकार हैं इस घर के अंदर। तो वो जो कलाकार अंदर हैं उनके ऊपर मैंने सोचा कि एक एक गाना क्यों ना बनाया जाए, बनाना इन द सेंस कि गाना कौन सा इनको सूट करता है। और ये आइडिया मुझे ज्यादातर इस आइडिया के लिए मुझे इनकरेज किया बिच्चू कुले साहब ने, क्योंकि वो बड़े गाने गाते हैं घर के अंदर। तो सबसे पहले उन्हीं के ऊपर गाना बताती हूँ आपको कि मैंने क्या सोचा है, आपके कमेंट का भी वेट करूंगी, मगर फिलहाल मेरी बारी है, मैं बताती हूँ। तो मुझे लगा जैसे फर्स्ट हफ्ते में कुछ और कर रहे थे, सेकंड में कुछ और कर रहे थे, तो थर्ड अभी शुरू हुआ है, तो मुझे लगा वो ऋतिक रोशन वाला गाना है ना, इधर चला मैं उधर चला, जाने कहां मैं किधर चला, अरे फिसल गया शिवानी संग हो चला। तो मुझे तो ये लगता है कि आजकल यही हो रहा है बिचकुले के साथ और यही वो कर रहे हैं। तो ये मुझे उनके ऊपर थोड़ा ठीक ठाक गाना लगा, आपके कमेंट्स का जरूर वेट करूंगी। तो दूसरे नंबर पे मुझे लगा पराग के ऊपर कौन सा गाना सूट करता, मैंने सोचा, मगर एक फटाफट से मेरे मुंह के अंदर यानी कि एक दिमाग में गाना आया, वो था रोमियो नाम मेरा, चोरी है काम मेरा। रोमियो भी है और चोर भी है, क्योंकि दिल के साथ साथ उन्होंने घर के बिस्किट और केक भी चुराए हैं, तो ये गाना उनके ऊपर बिल्कुल सूट करता है। तीसरे नंबर पे जो मुझे आया याद, वो डेंजरस वुमेन के ऊपर गाना, यानी कि शिवानी के ऊपर गाना। तो मेरे सामने एकदम से पिक्चर आ गई रेखा की, खूबसूरत फिल्म वाली, जिसमें रेखा गाना गाती है, सारे नियम तोड़ दो, नियम पे चलना छोड़ दो, इनकलाब जिंदाबाद। जी हाँ दोस्तों, कुछ ऐसा ही मुझे लग रहा है शिवानी के साथ कि नियम तो उन्होंने तोड़ने तोड़ने हैं, चाहे वो बाद में माफी मांगे, बिग बॉस मुझे माफ कर दे या मेरी तबीयत खराब है या वगैरह वगैरह वगैरह। तो ये गाना मुझे उनपे थोड़ा ठीक ठाक लग रहा है। फिर बात करते हैं माधव की। तो माधव के ऊपर गाना सोचने के लिए थोड़ा सोचना पड़ा, फिर माधव का जब मैंने ट्रैक सोचा कि माधव क्या कर रहे हैं घर में, कैसे कैसे कर रहे हैं, तो मुझे वही लगा कि जो भैनी गाना अब्दुल्ला वाला जो गाना है कि आते जाते हुए मैं सबकी खबर रखता हूँ, नाम माधव है मेरा सब पे नजर रखता हूँ। जी हाँ दोस्तों, मुझे लगता है ये गाना सूट करता है, अगर अभी नहीं तो आगे जाके जरूर सूट करेगा। तो फिर आज के एपिसोड का जो लास्ट गाना मुझे लगा वो रूपाली के ऊपर, तो रूपाली के ऊपर मुझे बड़ा ही एप गाना लगा कि उन्होंने जो इस बार वीकेंड का वार में बोला था कि मुझे कोई परवाह नहीं है, सिर्फ मुझे अपने घर वालों को आंसर देना है और किसी के नहीं है। तो मुझे लगा कि ये वही बात है कि जब प्यार किया तो डरना क्या। जी हाँ दोस्तों, आज के लिए मैंने ये 5 कलाकार चुने हैं घर के अंदर से, बाकी के कलाकारों पे कल गाने बनाऊंगी, मगर आपके कमेंट्स का भी वेट करूंगी कि आपके हिसाब से कौन से गाने किसको सूट करते हैं। अभी 2 हफ्तों में काफी कुछ जज कर चुके हैं हम और आप, तो कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जो मन करता है कीजिए, मगर देखिएगा जरूर हंग्री स्पिरिट चैनल। थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब टू अवर चैनल बाय क्लिकिंग द सब्सक्राइब बटन, क्लिक द बेल बटन एंड एंजॉय द लेटेस्ट अपलोड्स फ्रॉम आवर चैनल।